बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बीजेपी कार्यालय में नेताओं में महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष कार्यालय पहुंचे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यालय पहुंचे। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी पहुंचे पार्टी कार्यालय। प्रदेश महासचिव जेपीएस राठौर लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी कार्यालय में नेताओं की जा रही है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूपी में लगातार फेरबदल के कयास लगाए जा रहे थे, उस बीच लगातार बैठकें भी हो रही थी। इससे पहले आनंदीबेन पटेल से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, उसके बाद बीएस संतोष का लखनऊ दौरा किन मायनों में अहम माना जा रहा है, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? देखिए, आगामी 2022 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में ड्यू है और दूसरी बात यह है कि 2022 के ही चुनाव पे 2024 का लोकसभा चुनाव निर्भर करता है, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 80 सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा विधानसभा से मतलब उत्तर प्रदेश से ही आती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस तरह से अभी निकाय चुनाव हुए उसमें भाजपा को थोड़ा सपा ने बढ़त भी बनाई कई जगहों पे, तो ये सब चीजों को देखते हुए और COVID-19 में हालांकि योगी आदित्यनाथ जी का प्रबंधन बहुत सक्रिय रहा और उन्होंने बहुत धरातल लेवल पे और गांव लेवल पे जाके कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद वो निगेटिव हुए, लेकिन उन्होंने गांव-गांव जाके जिस तरह से जनमानस के बीच अपनी सहभागिता दिखाई, तो इसलिए और आगे आने वाला जो समय है वो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 के चुनाव में सारे विपक्षी दल एकजुट हैं हो रहे हैं, वो अब किस तरह से गठबंधन बनाते हैं, क्या करते हैं, इसलिए भाजपा के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, ठीक है वहां पर 3 सीटों से वो 77 सीटों पर पहुंच गई, वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं से उसकी खामी भी रही, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से 2022 का चुनाव विधानसभा का चुनाव जो संभावित है उसको छोड़ना नहीं चाहती है, उसको विजय से प्राप्त करना चाहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में तमाम मीटिंगें हो रही हैं और अभी जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद शर्मा जो कि यूपी के वो गुजरात कैडर के IAS हैं उनको MLC बनाया गया है। 14 जनवरी को उन्होंने 2021 को ज्वाइन की थी बीजेपी और उसके बाद उनको MLC बनाया गया, तो ये संभावित हो रहा है कि उनको DC भी बनाया जा सकता है और केशव प्रसाद मौर्य जो DC है उनको उत्तर प्रदेश की भाजपा के अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। इस तरह की तमाम चीजें हवा में चल रही हैं, तमाम चीजें सूत्रों के अनुसार सब चीजें चल रही हैं, तो इन सब चीजों के परिप्रेक्ष्य में 2022 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये बैठक हो रही है। 22 मिशन को लेकर भी इस बैठक में तमाम चीजों पर कयास लगाए जा रहे थे। आनंदीबेन पटेल से भी 52 मिनट की मुलाकात हुई, उसके बाद भी कई तरह के राजनीतिक सरगर्मियां तेज होगी, तो क्या लगता है किस मिशन पर 2022 में आगे बढ़ने वाली है योगी सरकार, क्या कुछ लगता है आपको? इस वक्त कोरोना काल भी चल रहा है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, देखिए 7 से 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आसन्न, तो सीधी सी बात है कि ये और इसमें सारे दल अपने रणनीति तय कर रहे हैं और भाजपा चूंकि भाजपा ने 2017 में 300 सीटों के ऊपर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मतलब 15 साल बाद वापसी की थी, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो भाजपा के लिए उसको बचा के रखना और बल्कि जनमानस में उसकी जितनी ज्यादा फाइंडिंग बन सके उसको बनाना कि जिससे उसकी सीटें और बढ़े, इस परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेके तमाम संगठन बीजेपी में तमाम संगठनों का दौर चल रहा है और आपके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP Nadda ने ये भी कह दिया है कि वो हर महीने उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और हर महीने उत्तर प्रदेश आएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, MLA से मिलेंगे, जितने मंत्री हैं उनसे मिलेंगे, सबसे जनता के लिए उनके द्वार खुले रहेंगे, तो इस तरह की चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पंचायत चुनाव में भी नतीजे उतने बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे या कह ले कि उतने अच्छे नहीं रहे, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये चीजों को लेकर तैयारियां पूर्ण रूप से करना चाहती है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव होने हैं विधानसभा से पहले, तो उसको लेकर भी ये जरूरी दिशा निर्देश देने और सारे मंत्रियों को एकजुट करके करना भी जरूरी हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है, क्या लगता है आपको? एक बात समझ लीजिए, पंचायत चुनाव को इससे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पंचायत चुनाव वहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं और क्षेत्रीय उस पे लड़े जाते हैं, उस पे उसको पार्टी के आईने से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्रीय समस्याओं पे 58,100
84 ग्राम पंचायत है उत्तर प्रदेश में, तो वो वहाँ जो प्रधान के चुनाव हुए वो उसी परिपेक्ष में होते हैं, वहाँ के क्षेत्रीय समस्याओं को देख के और क्षेत्रीय लोगों की सहभागिता को देख कर ये चुनाव होते हैं। तो इसलिए लेकिन सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये चाहती रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारी मजबूती रहे, उसने जो है काफी उसमें तैयारी कर रखी है। और अगले महीने अभी आज ये 31 मई है और अगले महीने संभवतः 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भी पार्टी जो है वो पूरी तरह से सतर्क हो गई है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियों में अभी से जुड़ गए हैं। BL संतोष का भी लखनऊ का ये 2 दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है इन चीजों को लेकर, क्योंकि इस दौरान वो पार्टी के कार्यों की समीक्षा करेंगे और उनको जरूरी दिशा निर्देश भी लेंगे आगामी चुनाव को लेकर। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में चिनहट पुलिस पर हमला, लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर हमला। सब्जी विक्रेता रामेश्वर और अन्य साथियों ने किया हमला, हमले में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल। चिनहट के कमता चौकी के पास की घटना। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस वालों पर हमला कर दिया गया है, लॉकडाउन का पालन कराने गए चिनहट पुलिस पर सब्जी विक्रेता और उसके साथियों ने मिलकर हमला किया। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शमशाद जुड़ चुके हैं। शमशाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरी खबर पर। चिनहट पुलिस पर हमला किया गया है सब्जी विक्रेता के द्वारा और उनके साथियों ने मिलकर, हालांकि लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस पहुंची थी, जो खामियां दिखी जब उस पर टोका गया उसके बाद रामेश्वर सब्जी विक्रेता और उसके साथियों ने मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर चिनहट के कमता चौकी की बता रहे हैं हम आपको। मैं एक बार फिर शमशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है पुलिस पर, किस तरह से हमला किया गया और उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। जी, आपको बता दें जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ता नजर आ रहा है उस तरीके से लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है, क्योंकि गरीब जो जनता है, जो ठेले वाले है और पटरीदार दुकानदार है, वो कैसे कमा सकते हैं इस लॉकडाउन में। वहीं पे कुछ पुलिसकर्मी जो है जब लॉकडाउन सभी निकल गया उसके बाद बढ़ाने के लिए उनके ठेलों को पास में गए बढ़ाने के लिए, तो जो ठेले वाले थे वो नाराज हो गए और पुलिसकर्मी पे हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग जो हैं पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो चुके हैं और बाकी जो है कुछ लोगों को जो है कम चोटें लगी हैं। और उसके बाद में चिनहट थाने की ये घटना है और उसके ऊपर भी कार्रवाई करी जा रही है। आक्रोश इन सब्जी विक्रेताओं में था, क्या कुछ ऐसे पुलिस के द्वारा कार्रवाई और किस चीज का पालन नहीं कर रहे थे, अनुपालन किस तरह से किया जा रहा था जिस पर ये कार्रवाई करते हुए सब्जी विक्रेता इतने भड़क गए। आपको बता दें कि सुबह जो है 6 बजे से 11 बजे तक जो सब्जी की दुकानें हैं उनका खोलने का ऑर्डर है, शाम को नहीं खोलने का ऑर्डर है। शाम को वो देर रात जो है सब्जी के ठेले लगाए हुए थे, जिसको रोकने के लिए बंद कराने के लिए पुलिसकर्मी जो है वहां पे गए हुए थे, जिसके कारण जो है वहाँ जो ठेले वाले थे वो भड़क गए और उनके ऊपर हमला कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सब्जी विक्रेताओं का फूटा गुस्सा पुलिस वालों पर आप देख सकते हैं इस खबर को हम आपको दिखा रहे हैं। चिनहट पुलिस के ऊपर ये सब्जी विक्रेता और उनके साथियों के द्वारा मिलकर हमला किया गया है। शाम के वक्त सब्जी की जो मंडी है और जो ठेले है वो लगाने का सरकार के द्वारा मना किया गया था, उसके बावजूद इस तरह से लगाया गया। इसको लेकर कार्रवाई करने जब पुलिस पहुंची तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। वही अगली बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। प्रसपा ने 150 सीटों पर शुरू की चुनावी तैयारियां, सपा विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर लाएंगे, शिवपाल का कहना है। लखनऊ सहित 20 सीट पर उम्मीदवार किए घोषित, सक्रिय होकर करेंगे काम, भाजपा को सत्ता से करेंगे बेदखल। तो प्रसपा का बड़ा बयान सामने आया है, शिवपाल सिंह यादव ने 150 सीटों पर चुनावी तैयारी
बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस वक्त हमारे साथ डीपी यादव, प्रवक्ता प्रसपा जुड़ चुके हैं। डीपी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका, किस तरह से तैयारियों में आपका दल जुट चुका है और इस बार विधानसभा के चुनाव को लेकर किन मुद्दों पर आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस समय उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के हालात खराब है और कोरोना काल में स्थिति और विभक्त हो गई है। तो कहीं न कहीं जो प्रसपा का गठन हुआ, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जब ये पार्टी बनाई तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, उसी को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। और 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है वो एक अहम पड़ाव साबित होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारत की राजनीति में, क्योंकि देश की हालात बहुत खराब है, कोरोना काल चल रहा है, सरकार फेल हो चुकी है। तो निश्चित रूप से जब 2022 का चुनाव होगा तो लोगों के सामने एक विकल्प होना चाहिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शुरू से ये चाहती है कि जो एक विचारधारा के लोग हैं, जो लोहियावादी हैं, जो गांधीवादी हैं, जो चौधरी चरण सिंहवादी हैं, वो एक छत के नीचे आए और मिल करके चुनाव लड़े, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, यादव जी, आप लोग की तैयारियां ठीक है, आप सक्रिय हो गए हैं और विकल्प तलाश रहे हैं कि लोगों को विकल्प दिया जाए ताकि वो भी ये सोच सके कि भाजपा के अलावा भी उत्तर प्रदेश में विकल्प है, लेकिन उन विकल्प के साथ आपकी पार्टी और कितने दलों को एकत्रित करने वाली है, किन दलों के साथ आप लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारे दल के लिए विकल्प खुला हुआ है। जो भी हमने पहले बताया, हमारे नेता सड़क से लेकर के सदन से संघर्ष करने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी चरण सिंहवादी हैं, लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, जो अंबेडकर में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो सारे दल एक साथ आए, क्योंकि इस समय भारतीय संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। तो जो भारतीय जनता पार्टी सबके साथ की वो सपा मुखिया को भी इसमें शामिल करे, अखिलेश यादव के साथ भी वो साठगांठ बैठाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो भी हमारे विचारों से, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के विचारों से संबंध रखते हैं, उसमें अपना आस्था व्यक्त करते हैं, वो सारे लोगों का स्वागत है। हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है जी, किसी को उसमें निराश नहीं करेंगे वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डीपी यादव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से शिवपाल यादव का ये बड़ा बयान आया, 150 सीटों पर उम्मीदवारों की, 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, 150 सीटों पर लड़ने की बात हो रही है। हालांकि सक्रिय होकर काम करेंगे, साथ ही साथ भाजपा को सत्ता से बाहर करने की जो जद्दोजहद एक बार फिर चालू हो गई है और कहीं ना कहीं डीपी यादव का भी साफ तौर पर कहना था कि खुले मन से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी खबर इसमें यह भी है कि अगर सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रसपा के साथ आना चाहेंगे तो वो उनका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो प्रसपा भी अब सक्रिय हो गई है राजनीति में और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कमी विपक्ष भी नहीं छोड़ना चाहता है, लोगों के लिए एक विकल्प साफ तौर पर देना चाहता है और खुद के लिए भी विकल्प तलाशने के लिए अपनी जो जद्दोजहद है सत्ता में वापस लौटने की वो चालू हो गई है। ब्रेकिंग बैक टू बैक में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।